हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ कक्षा 11वीं के लिए, जिसमें हम लोग समुच्चय पढ़ रहे हैं। ठीक है, समुच्चय। जिसमें हम लोगों ने समुच्चय की प्रश्नावली एक दशमलव चार, जो कि NCERT से है, को लगा रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक सलूशन कराए थे। आज जो क्वेश्चन नंबर 6 के प्रश्न छूटे थे या आपको करने के लिए दिए गए थे, सबसे पहले उन्हें सॉल्व करवा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि यदि a बराबर 3, 5, 7, 9, 11, ए बराबर 3, 5, 7, 9, 11। आगे उन्होंने कहा है समुच्चय b में, समुच्चय b बराबर उन्होंने कहा है 7, 9, 11 और 13। ठीक है, फिर समुच्चय c उन्होंने कहा है, समुच्चय c में कहा है 11, 13 और 15। 11, 13 और 15। ठीक है, डी की बात उन्होंने की है, किसकी डी की बात उन्होंने की है, तो डी में उन्होंने कहा है 15 और 17। 15 और कौन कौन से हैं, 17। ठीक है, अब हमने इसमें आपको जो सवाल लगाने के लिए दी थी वो थी हमारी कौन सी, दूसरी सवाल, जिसमें हमसे उन्होंने कहा था क्या कि ज्ञात कीजिए बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी कैसे ज्ञात करेंगे, बी इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों समुच्चयों में से उभयनिष्ठ अवयव लिखे जाएंगे। कौन से, उभयनिष्ठ अवयव लिखे जाएंगे। तो उभयनिष्ठ अवयव कैसे लिखे जाएंगे, देखिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी देखा जाएगा और उसमें जो उभयनिष्ठ अवयव रहेंगे सिर्फ और सिर्फ वही लिखे जाएंगे। जैसे इसमें कौन है, 11 है और ये कौन है, 13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 और कौन कौन सा, 13। ठीक है ना, ये रहा आपका क्या, दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको छोड़ा गया था क्वेश्चन नंबर चौथा, कौन सा, चौथा, जिसमें कहा है उन्होंने कि ज्ञात कीजिए ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करेंगे तो ए और सी को देखेंगे, ए और सी में जो कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ अवयव होगा वही लिखा जाएगा। तो ए और सी देखिए, ए और सी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितना अवयव है, एक अवयव है 11। ठीक है ना, देखिए ए में सी में भी क्या है हमारे पास, 11 है और ए में भी कौन है, 11, और कोई भी अवयव क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ कौन लिखा जाएगा, 11। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। हम लोगों ने बी इंटरसेक्शन डी देखा था, क्या पांचवी सवाल में है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन जो डी है, जो बी इंटरसेक्शन डी है उसमें हमें किस पर ध्यान रखना है, इस बार हमें ध्यान रखना है बी पर और किस पर, डी पर। बी और डी में जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बी में देखेंगे तो हमारे पास 7 है 9 है 11 है 13 है और डी में हमारे पास 15 और क्या है, 17। एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में उपस्थित हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, इसलिए ये जो हमारा बी इंटरसेक्शन डी होगा वो क्या हो जाएगा, 5। अर्थात इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्त समुच्चय, उसमें एक भी अवयव नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न है हमारे पास छठवां, हमने लगा दिया था पिछले वीडियो में ही। आगे देखिए, आगे है ए इंटरसेक्शन डी, क्या है, ए इंटरसेक्शन डी, ए का डी के साथ इंटरसेक्शन, ए का डी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए और डी में कोई भी चीज क्या है, उभयनिष्ठ, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः ए इंटरसेक्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास है सवाल नंबर 9, कौन सी है, सवाल नंबर 9 में कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी, क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन बी। फिर उन्होंने कहा है का इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए किससे, बी यूनियन सी से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कौन कौन सा, 7 भी उभयनिष्ठ अवयव है, 9 भी उभयनिष्ठ अवयव है, फिर 11 भी उभयनिष्ठ अवयव है, अर्थात यहाँ ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखा जाएगा, 7 9 11
सात नौ और ग्यारह। अगला है इंटरसेक्शन, फिर हमारा क्या है बी यूनियन सी, बी और सी को मिला के लिखना है, बी और सी को क्या करना है मिला के लिखना है। तो बी और सी को मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी और सी को मिला के लिखेंगे सात नौ ग्यारह। देखिए सात भी है नौ भी है ग्यारह से मैच कर गया, तेरह है और कौन सात ग्यारह तेरह और कौन पंद्रह, ठीक है ना। तो आप देखेंगे हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन मिल रहा है नौ मिल रहा है और कौन मिल रहा है ग्यारह मिल रहा है। तो जो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा समुच्चय नौ और ग्यारह, ठीक है। ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास दसवां, जिसमें उन्होंने कहा है ए यूनियन डी, क्या कहा है ए यूनियन डी ज्ञात कीजिए और उसका इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए किसके साथ बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तुम्हारा ए के साथ, ए का डी के साथ क्या निकालना है यूनियन, देखिए ए का डी से क्या निकालना है यूनियन, अर्थात ए और डी को क्या करना है मिला के लिखना है। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा तीन फिर कौन पांच फिर कौन सात फिर कौन नौ फिर ग्यारह उसके बाद कौन पंद्रह उसके बाद कौन सत्रह, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी का, किसका किसका बी यूनियन सी का। तो बी और सी मिला लीजिए, बी और सी मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बी और सी को मिला के लिखना है, इंटरसेक्शन नहीं करना अभी तो यूनियन करना है मिला के लिखना है। तो कौन कौन हो जाएगा सात हो जाएगा और कौन हो जाएगा नौ हो जाएगा फिर कौन हो जाएगा ग्यारह हो जाएगा फिर कौन हो जाएगा तेरह हो जाएगा और फिर कौन हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या बी यूनियन सी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। हमें इन दोनों में क्या ज्ञात करना है इंटरसेक्शन, क्या ज्ञात करना है इंटरसेक्शन। तो दोनों में इंटरसेक्शन में क्या क्या आएगा, हमारे पास एक सात है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारे आंसर में कौन हो जाएगा सबसे पहले सात फिर कौन है नौ है फिर हमारे पास कौन हो जाएगा नौ फिर कौन हो जाएगा ग्यारह फिर कौन हो जाएगा ग्यारह ग्यारह के बाद कौन हो जाएगा पंद्रह कौन हो जाएगा पंद्रह, ठीक है ना। ये रहा आपका क्या ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। इस प्रकार आपके जो छूटे हुए प्रश्न थे प्रश्न संख्या छह के वो भी क्या हो जाते हैं पूरे हो जाते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या सात में क्या है हमारे पास, कह रहे हैं यदि ए यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है। उन्होंने एक समुच्चय लिखा है, क्या ए समुच्चय हमारे पास जिसमें उन्होंने लिखा है यक्ष सच दैट यक्ष ए क्या प्राकृतिक संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। फिर आगे उन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने कहा है बी यक्ष सच दैट यक्ष संप्राकृतिक संख्या, बी यक्ष सच दैट यक्ष एक संप्राकृतिक संख्या, एक संप्राकृतिक संख्या है, ठीक है। आगे उन्होंने इसी सवाल में कहा है कि c बराबर यक्ष सच दैट यक्ष विषम प्राकृतिक संख्या, क्या कहा है c यक्ष सच दैट यक्ष यक्ष सच दैट यक्ष एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने क्या लिखा है d लिखा है, क्या लिखा है d, d में लिखा क्या है d में लिखा है x such that x एक अभाज्य संख्या है, क्या लिखा है x such that x एक अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए ध्यान से हमारे पास जो चारों क्या दिए गए हैं, चारों समुच्चय दिए गए हैं वो जो इस फॉर्मेट में है, वो जो फॉर्मेट है हमारा वो कौन सा फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हमारा रोस्टर, ये है हमारा समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस समुच्चय को क्या करेंगे, इस समुच्चय को रोस्टर विधि या तालिका विधि में लिखेंगे। तो इसे देखिए, जब इसको लिखेंगे हम लोग तो यहाँ हमारे पास ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छह ऐसे डॉट 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 करके लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी है, ठीक है।
आगे उन्होंने कहा x is that x एक समप्राकृतिक संख्या, क्या लिखनी है? दूसरा समुच्चय में b लिखना है, b में क्या लिखना है? समप्राकृतिक संख्या, क्या लिखनी है? समप्राकृतिक संख्या। समप्राकृतिक संख्या का मतलब दो, दो के बाद चार, छः, आठ, ऐसे डॉट 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 करना है, ठीक है ना? ये हो गई क्या हमारी समप्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो आगे देखिए, कह रहे हैं x is that x एक विषमप्राकृतिक संख्या, क्या विषमप्राकृतिक संख्या? मतलब विषमप्राकृतिक संख्या को कैसे लिखेंगे? c से, सी में क्या लिखेंगे? एक, तीन, पांच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, ठीक है ना? ये हो गया हमारा कौन विषमप्राकृतिक संख्या। डी की बात करें तो डी हम लिखेंगे जब, तो डी में हमारे क्या लिखना है? अभाज्य, क्या लिखना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे लिखेंगे? अभाज्य होती है दो, तीन, पांच, सात, ग्यारह, तेरह, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा? सत्रह। ऐसे क्या रहेगी हमारी? अभाज्य संख्याएं रहेंगी। क्या रहेंगी? अभाज्य संख्याएं रहेंगी। अब ये हमारा क्या है, ये उन्होंने जो दिया था वो किस फॉर्मेट में था? ये था हमारा समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में। हमने इसी समुच्चय को अपने फॉर्मेट तालिका विधि में लिख लिया है। अब हम लोग प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहली सवाल उन्होंने क्या कही है। पहली सवाल में उन्होंने कहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अर्थात ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, क्या होता है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, मतलब ए और बी दोनों में जो हो वो हमारा क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए हमारे पास ए कौन है? ए में है एक, दो, तीन सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जबकि बी में कौन है? केवल सम संख्याएं हैं। तो अगर हम लोग देखें और इसमें इन दोनों में मिला के देखना चाहें तो जो हमें ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक इसमें है, एक इसमें नहीं है, दो इसमें है, दो इसमें भी है, इसलिए कौन मिलेगा? दो मिलेगा। फिर यहाँ तीन है, यहाँ तीन नहीं है, यहाँ चार है, यहाँ भी क्या है? चार है, तो फिर हमें कौन मिलेगा? चार मिलेगा। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर से कौन मिलेगा? छह मिलेगा। फिर कौन मिलेगा? आठ मिलेगा। ऐसे हमें क्या मिलेंगी? संख्याएं मिलेंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याओं का समुच्चय है। अर्थात हम लोग इसे लिख सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके बराबर है? बी के ही बराबर है। मतलब हमारा जो समुच्चय है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो में क्या है हमारे पास? उन्होंने कहा है ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ए इंटरसेक्शन सी। क्या ज्ञात कीजिए? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब? ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है ए और सी में जो सर्वनिष्ठ हो वही ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ए और सी की बात करें, हमारे पास ए यहाँ है और सी यहाँ है। देखिए ध्यान से, ये हमारा ए है और ये हमारा कौन है? सी। तो ए में क्या है हमारी? सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और सी में कौन है? केवल विषम संख्याएं हैं। केवल क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो जब ए को सी से क्या करेंगे? वो तुलना करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो कौन मिलेगा? केवल एक इसमें है, एक इसमें है, दो यहाँ है लेकिन दो सी में नहीं है। फिर तीन है ए में, तीन सी है, सी में भी है, और ए में चार है लेकिन सी में चार नहीं है। अर्थात हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन में जो संख्याएं आ रही हैं वो कौन सी हैं? एक, तीन, पाँच, सात और कौन? नौ। ऐसे ही संख्याएं आ रही हैं। अर्थात अगर आप इसे देखें, ये विषम संख्याओं का समुच्चय है और विषम संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या लिख रहे हैं? सी लिख रहे हैं। इसलिए ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीन देखिए। प्रश्न संख्या तीन में कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन डी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। फिर से वही बात है, ए इंटरसेक्शन बी में हमारा आंसर क्या था? बी था। ए इंटरसेक्शन सी में हमारा आंसर क्या था? सी था। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन डी में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि हमारा जो ए है वो एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय टाइप से, ठीक है ना। और डी जो है हमारा वो क्या है? ए में से निकाल के लिखा गया है। तो निश्चित रूप से हम इन दोनों में जब उभयनिष्ठ की बात करेंगे, इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन रहेगा? डी ही रहेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ना। इसे समुच्चय की फॉर्मेट में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं दो, तीन, पांच, सात, फिर ग्यारह, तेरह, ऐसे, समझ गया ना, ठीक। आगे देखिए प्रश्न संख्या चार। प्रश्न संख्या चार में कह रहे हैं कि बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बी इंटरसेक्शन सी। तो ध्यान से देखिए, बी और सी, क्या देखिए? बी और सी, बी और सी देखिए। यहाँ हमारे पास बी है और ये हमारे पास कौन है? सी। बी में कौन है? दो, चार, छह, आठ, दस,
ठीक है, और सी में क्या है, सी में विषम संख्याओं का समुच्चय है और इसमें क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है। तो विषम संख्या और सम संख्या दोनों ही अलग अलग होती हैं, इसलिए इन दोनों में कोई भी अवयव वैनिश नहीं होगा, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइव हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में उन्होंने कहा है कि याद कीजिए, क्या याद कीजिए, बी इंटरसेक्शन डी, क्या याद कीजिए, बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। बी का जो इंटरसेक्शन करना है, सर्वनिष्ठ करना है, वो किसके साथ करना है, डी के, बी को डी से, ठीक है ना। तो बी को डी से देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन मिलेगा, एक अवयव मिलेगा, वो कौन है, दो, कौन है, दो, क्योंकि दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, बाकी यहाँ क्या है, सब सम संख्याएं हैं और यहाँ जो है वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। यहाँ जो आएगा वो कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ दो, ठीक है ना। अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, सवाल नंबर सात की जो है छह नंबर की, ठीक है। छह नंबर में सवाल में कह रहे हैं कि सी इंटरसेक्शन डी याद कीजिए, क्या याद कीजिए, सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो देखिए सी इंटरसेक्शन डी कैसे याद करेंगे, सी को डी से रिलेट करना है, सी का डी से, ठीक है ना। सी को डी से देखेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें मिल रहा है यहाँ पर सी और डी में जो कॉमन हो, एक यहाँ है लेकिन एक यहाँ नहीं है, दो यहाँ है लेकिन दो यहाँ नहीं है, तीन यहाँ है और तीन कहाँ है, यहाँ भी है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, तीन होगा। आगे बढ़ेंगे ये कौन है, पांच है, और ये भी कौन है, पांच, तुम्हारा आंसर कौन होगा, पांच भी होगा। आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर यहाँ सात है, यहाँ कौन है, सात है, यहाँ भी कौन होगा, सात होगा। ऐसे हमारे आंसर आते रहेंगे जिसमें ग्यारह भी हमारे पास रहेगा और कौन, तेरह भी रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या रहेगा, सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न संख्या सात में सात के सभी प्रश्नों के हल आपके सामने हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या आठ। देखिए प्रश्न संख्या आठ में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है, कौन से युग्म असंयुक्त है, ठीक है ना। असंयुक्त बताना है हमें, क्या बताना है, असंयुक्त, ठीक है। असंयुक्त की बात करें अगर हम, तो ध्यान देखिए, पहले तो समझ लीजिए कि असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, डिसजॉइंट से, क्या होता है, डिसजॉइंट से। ऐसे दो समुच्चय जिसमें एक भी अवयव क्या होते हैं, उभयनिष्ठ नहीं होते हैं, क्या होते हैं, उभयनिष्ठ नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है, समझ गए ना। जैसे असंयुक्त समुच्चय, मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय क्या है, ए है, उसमें हमने क्या लिखा है, एक तीन पांच सात, ठीक है। और दूसरा समुच्चय हमारे पास क्या है, बी है, उसमें हमने क्या लिखा है, दो तीन दो चार छ आठ, मतलब ये सम संख्याओं का है और ये क्या है, विषम संख्याओं का है। तो हम लोग अगर इसका सर्वनिष्ठ करेंगे तो हमारे पास एक भी अवयव क्या मिलेगा, उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, तो ये हमारा जो समुच्चय कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट, क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। जब दोनों समुच्चय दिए हुए, दोनों समुच्चय में एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता तो वो समुच्चय हमारा क्या कहलाता है, आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है पहली सवाल में, तो हम लोग प्रश्न संख्या आठ की पहली सवाल पे है, ध्यान देखिए प्रश्न संख्या आठ के पहली सवाल में उन्होंने कहा है कि समुच्चय एक दो तीन चार तथा यक्ष, सच दैट यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और जो यक्ष है वो चार के बराबर तथा चार से बड़ा और छह के बराबर तथा छह से क्या है, छोटा है। तो बताइए क्या ये दोनों समुच्चय क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये जो दूसरा समुच्चय दिया गया है, इसकी जो फॉर्मेट है, लिखने का तरीका है, ये समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि है। तो सबसे पहले तो इसे हम लोग किसमें बदलेंगे, रोस्टर फॉर्मेट में बदलेंगे। रोस्टर फॉर्मेट बदलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, एक दो तीन चार तथा इसकी जो फॉर्मेट बनेगी उसमें क्या रहेगा, चार इंक्लूडेड रहेगा। चार के बाद कौन आएगा, पांच आएगा, फिर कौन, छह आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है, चार है और यहाँ भी क्या है, चार है, ठीक है। आप चाहें तो इसे क्या कर लीजिए, मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए, माना कोई समुच्चय हमारे पास ये क्या है, ए है, तथा ये कोई दूसरा समुच्चय हमारे पास कौन है, बी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए व बी में उभयनिष्ठ, ए व बी में उभयनिष्ठ अवयव, अवयव चार है, उभयनिष्ठ अवयव क्या है, चार है, अतः ए तथा बी असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या दो की ओर। प्रश्न संख्या दो में उन्होंने क्या कहा है, प्रश्न संख्या दो है, कह रहे हैं कि समुच्चय ए ई आई ओ यू, क्या कह रहे हैं, एक समुच्चय उन्होंने लिखा है जिसमें लिखा ए ई आई ओ यू, ठीक है, तथा दूसरा समुच्चय उन्होंने लिखा है सी डी ई एफ, तथा दूसरा समुच्चय है सी डी ई और एफ, सी डी ई और एफ। तो भैया मान लेते हैं, सबसे पहली बात क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास जो पहला समुच्चय है वो क्या है, ए, क्या है, ए, ए में कौन है, ए ई आई ओ और यू, और जो दूसरा समुच्चय हमारे पास क्या है, बी है, सी है, और कौन है, डी है, ई है, और कौन है, एफ, ठीक है। तो देखिए हमें क्या बताना है, असंयुक्त बताना है, क्या बताना है, असंयुक्त। तो हम देख पा रहे हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी में हमारे पास जो अवयव ई है वो ठीक है आपस में क्या है मिल रहे हैं, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, इसलिए क्या कहेंगे, लिखेंगे समुच्चय ए व बी में, समुच्चय ए व बी में उभयनिष्ठ, क्या, उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ अवयव क्या है, ई है, अतः अतः ए तथा बी, ए तथा बी असंयुक्त है, क्या है, असंयुक्त है, असंयुक्त नहीं है, सॉरी असंयुक्त नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका क्या दूसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिए, तीसरे प्रश्न में उन्होंने कहा है x is such that x एक संपूर्णांक, क्या कहा है उन्होंने, एक समुच्चय लिखा है x such that x एक संपूर्णांक, एक संपूर्णांक, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या लिखा है, एक संपूर्णांक है, ठीक है, तथा दूसरा उन्होंने क्या लिखा है, x such that x एक विषम पूर्णांक, क्या लिखा है, एक विषम पूर्णांक है। तो सबसे पहले दी गई फॉर्मेट को हम लोग क्या करेंगे, रोशन फॉर्मेट कर लेंगे, क्योंकि दी गई जो फॉर्मेट है वो कौन सी फॉर्मेट है, ये है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। तो मान लेते हैं हमारे पास माना समुच्चय a बराबर संपूर्णांकों का समुच्चय 2, 4, 6, 8, ये हो जाएगा हमारे पास, तथा विषम पूर्णांकों का जो समुच्चय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विषम, 1, 3, 5, 7, ये हमारे क्या कहलाएंगे, विषम पूर्णांक, क्या कहलाएंगे, विषम पूर्णांक। हम देख पा रहे हैं समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। यहां लिखेंगे, लिखेंगे समुच्चय समुच्चय ए व बी में, ए व बी में कोई भी उभय निष्ठ अवयव नहीं है, उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, अतः ए तथा बी असंयुक्त है, ए तथा बी क्या है, असंयुक्त है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 8 के तीनों प्रश्न क्या हुए, समाप्त हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 9 क्या है हमारे पास, प्रश्न संख्या 9 है, उन्होंने क्या कहा है, एक समुच्चय उन्होंने लिखा है तीन के गुणजों का, किसका, तीन के गुणज हैं, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। उन्होंने जो समुच्चय लिखा है वो क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। दूसरा समुच्चय उन्होंने बी लिखा है जिसमें क्या है, उन्होंने 4 के गुणज लिखे हैं, 4, 8, 12, 16 और 20, ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिखा है, सी, क्या लिखा है, सी, सी में उन्होंने लिखा है क्या, सी में लिखा है 2 के गुणज, क्या लिखे हैं, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक ही लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए डी में उन्होंने क्या लिखा है, डी में 5 गुणजों की बात की है उन्होंने, डी में उन्होंने लिखा है 5, 10, 15, 20, ठीक है।
ये रहा हमारा कौन से समुच्चय। सबसे पहले तो सवाल लगाने के लिए हमारे पास जो समुच्चय होने चाहिए वो कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी। ए में क्या है, तीन के गुणज हैं, बी में चार के गुणज हैं, सी में दो के गुणज हैं और डी में क्या है, पांच के गुणज हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे उन्होंने सवाल नंबर एक पूछी है, कौन से नौ के पहले वाले प्रश्न उन्होंने पूछा है, याद कीजिए, क्या कीजिए, याद कीजिए ए माइनस बी, क्या याद कीजिए ए माइनस बी। इस पूरी सवाल में हमें समुच्चयों के अंतर के बारे में प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। तो समुच्चयों में अंतर अगर हल करना है, आप चाहें तो विनारे का प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसे डायरेक्टली लगा सकते हैं। कैसे, a माइनस बी का अर्थ होता है कि a के वे अवयव जो b में ना हो, a के वे अवयव। आपको ध्यान देना है पहले वाले समुच्चय पर, किस पर ध्यान देना है, पहले वाले समुच्चय पर, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए a माइनस बी, इसका अर्थ यह है कि a के वे अवयव जो क्या हो, b में ना हो। तो आप देखिए a और b पे, a और कौन, b, a के कौन कौन से अवयव है जो b में नहीं है, वो कौन है, सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ तीन है लेकिन इसमें तीन नहीं है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, तीन। हमें a से अवयव लिखने हैं जो b में नहीं है, छह यहाँ है, छह यहाँ नहीं है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, छह भी लिखा जाएगा। नौ यहाँ है, नौ यहाँ नहीं है, इसलिए नौ भी लिखा जाएगा। बारह यहाँ है, बारह यहाँ भी है, इसलिए बारह नहीं लिखा जाएगा। पंद्रह यहाँ है, पंद्रह यहाँ नहीं है, इसलिए कौन लिखा जाएगा, पंद्रह भी लिखा जाएगा। फिर अठारह यहाँ है, अठारह यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, अठारह भी लिखा जाएगा। यहाँ कौन है, इक्कीस है, यहाँ इक्कीस नहीं है, इसलिए कौन लिखा जाएगा, इक्कीस भी लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये रहा क्या, ए माइनस बी, तीन छह नौ पंद्रह अठारह और इक्कीस। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या दो में उन्होंने कहा है कि a माइनस सी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, a माइनस सी। तो a माइनस सी का क्या मतलब है, a के वे अवयव जो c में नहीं है, हमें तुलना a और किसकी करनी है, c की करनी है, और ध्यान देना है कि a के अवयव लिखे जाएंगे यदि वे c में नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तीन है लेकिन सी में तीन नहीं है, इसलिए सबसे पहला अवयव जो लिखा जाएगा वो कौन, तीन। यहाँ कौन है, छह, यहाँ भी कौन है, छह, यहाँ कौन है, नौ, लेकिन यहाँ नौ नहीं है, इसलिए कौन लिखा जाएगा, नौ भी लिखा जाएगा। यहाँ कौन है, बारह, यहाँ भी हमारे पास कौन है, बारह है, यहाँ कौन है, पंद्रह, लेकिन यहाँ पंद्रह नहीं है, इसलिए यहाँ कौन लिखा जाएगा, पंद्रह भी लिखा जाएगा। यहाँ कौन है, अठारह, यहाँ कौन है, अठारह भी नहीं है, और कौन है, इक्कीस भी नहीं है, तो अठारह भी लिखा जाएगा और इक्कीस भी लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या कौन सी, तीन। प्रश्न संख्या तीन उन्होंने कहा है a माइनस डी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, a माइनस डी ज्ञात कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप a माइनस डी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने कहा है क्या, b माइनस a ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, b माइनस a ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहा है, c माइनस a ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, c माइनस a ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहा है, d माइनस a, क्या कहा है, d माइनस a ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, फिर उन्होंने कहा है b माइनस c ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, b माइनस c। आठवीं सवाल देखो, आठवीं सवाल उन्होंने क्या कहा है, आठवीं सवाल उन्होंने कहा है b माइनस d ज्ञात कीजिए, b माइनस d। ठीक है, फिर उन्होंने नौवीं सवाल में कहा है c माइनस b, नौवीं सवाल में क्या कहा है, c माइनस b। फिर उन्होंने दसवीं सवाल, दसवीं सवाल उन्होंने कहा है d माइनस b, क्या कहा है, d माइनस b। फिर ग्यारहवीं सवाल उन्होंने कहा है c माइनस d, क्या कहा है, c माइनस d। फिर बारह, ठीक है, बारहवीं सवाल उन्होंने क्या कहा है, d माइनस c। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब सवालों को क्या करेंगे, स्वयं से लगा लेंगे। फिर भी हमें इसमें से एक दो प्रश्न और भी बता देते हैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, c माइनस b, ठीक है, c के वे अवयव जो कहाँ है, b में नहीं है। ठीक है, तो c और b की तुलना की जाए, c और b, c में यहाँ क्या हमारे पास, दो है लेकिन यहाँ दो नहीं है, इसलिए c माइनस b में कौन लिखा जाएगा, दो लिखा जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ चार है, यहाँ भी चार है, यहाँ हमारे पास कितना है, आठ है, यहाँ भी क्या है, आठ है, यहाँ कितना है, बारह है, यहाँ भी कितना है, बारह है, यहाँ क्या है हमारे पास, सी के अवयव लिखने हैं, ध्यान से सी के अवयव लिखने हैं, तो सी पर ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास छह है लेकिन इसमें छह नहीं है, तो कौन लिखा जाएगा, छह भी लिखा जाएगा।
फिर यहाँ 10 है लेकिन यहाँ 10 नहीं है, इसलिए कौन लिखा जाएगा, 10 भी लिखा जाएगा। 10 के बाद कौन, 12 मिल गया, 14 नहीं है, 14 लिखा जाएगा। ये जो हमारा बन के आया है समुच्चय 2, 6, 10 और 14 का, वो हमारा क्या कहलाएगा, सी माइनस बी। इसी प्रकार डी माइनस सी भी देख लीजिए, डी माइनस सी देखिए, डी की सी से करनी है, ठीक है। डी के वे अवयव जो सी में नहीं है, तो डी के कौन कौन से अवयव है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ नहीं है, तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है, नहीं लिखा जाएगा। यहाँ 15 है, यहाँ 15 नहीं है, इसलिए कौन लिखा जाएगा, 15 लिखा जाएगा। यहाँ कौन है, 20 है लेकिन सी में 20 नहीं है, इसलिए कौन लिखा जाएगा, 20 भी लिखा जाएगा। तो डी माइनस सी हमारा क्या हो गया, 5, 15 और 20, ठीक है ना। इस प्रकार आगे जो प्रश्न हमने आपको यहाँ दिए हैं, ये आपके अभ्यास के लिए हैं, आप इन्हें स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 देखिए, उन्होंने प्रश्न संख्या 10 में दो समुच्चय एक x और क्या एक y दिया है, ठीक है ना। x में उन्होंने लिखा है a b c d, क्या लिखा है, a b c d। y में लिखा है f b d g, ठीक है। क्या पूछा उन्होंने, ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहली सवाल है उनकी x माइनस वाई ज्ञात कीजिए, दूसरी सवाल है उनकी y माइनस x ज्ञात कीजिए, y माइनस x ज्ञात कीजिए, ठीक है। और अगली सवाल है उनकी x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, x इंटरसेक्शन क्या ज्ञात करना है, y। अगर आप देखें x माइनस y के लिए, तो x के वे अवयव, x के वे अवयव जो y में ना हो, तो ऐसे कौन कौन से हैं, a यहाँ है जबकि यहाँ नहीं है, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। b यहाँ है, b यहाँ भी है, c यहाँ है, c यहाँ नहीं है, इसलिए कौन लिखा जाएगा, c भी लिखा जाएगा। d यहाँ है, d यहाँ भी है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से, a और c ही होंगे। y माइनस x देखिए, y माइनस x कैसे लिखा लेंगे, y के वे अवयव जो x में ना हो, हमें ध्यान किस पर देना है, y पर। y में f है लेकिन x में f नहीं है, इसलिए लिखा जाएगा f, ठीक है। यहाँ हमारे पास b है लेकिन यहाँ भी हमारे पास क्या है, d, d लिखा नहीं जाएगा। यहाँ हमारे पास d है और यहाँ भी d है, इसलिए d भी लिखा नहीं जाएगा। और यहाँ g है और यहाँ g नहीं है, इसलिए कौन, g भी लिखा जाएगा, ठीक है। अगली सवाल उन्होंने कहा है x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है सर्वनिष्ठ, क्या है, सर्वनिष्ठ मतलब दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ जो है वो ही लिखा जाएगा। उन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, एक तो कौन है, b है, ठीक है, दूसरा कौन है, d है, दूसरा कौन है, d, अर्थात कौन कौन, b और d, ये रहा आपका कौन, x इंटरसेक्शन y, ठीक है। ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों प्रश्नों के हल, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 उन्होंने कहा है यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, क्या है, वास्तविक, ठीक है ना। और उन्होंने कहा है जो q है वो परिमेय संख्याओं का है, किसका है, परिमेय संख्याओं का, ठीक है। मतलब जो r है वो रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जो q है वो क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो उन्होंने कहा है तो बताइए r माइनस q क्या होगा, r माइनस q क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या होती है क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब मिलाकर लिखा जाता है, क्या होता है, परिमेय, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलती है तो जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ हमारे पास क्यू में कौन है, केवल परिमेय संख्या है। और उन्होंने कहा है r माइनस q, हमें ध्यान किस पर देना है, r पर। और लिखना क्या है, r के वे अवयव जो q में नहीं है, r के वे अवयव जो q में नहीं है वो कौन है, अपरिमेय, q में परिमेय है इसलिए परिमेय नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ r माइनस q में कौन लिखा जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। r माइनस q क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा r माइनस q। आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 12 की ओर।
प्रश्न संख्या 12 क्या है हमारे पास? प्रश्न संख्या 12 में कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, ठीक है ना। पहली सवाल है उनकी समुच्चय 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 क्या है? दूसरा समुच्चय हमारे पास 3 और 6 है, 3, 6 असंयुक्त है, क्या है? असंयुक्त है, असंयुक्त है। क्या ये बात सत्य है? तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ उन्होंने क्या कहा है? असंयुक्त। क्या कहा है? असंयुक्त। असंयुक्त में हमने आपसे कहा था कि ऐसे समुच्चय दो समुच्चय जिनमें एक भी अवयव भयनिष्ठ नहीं होता है असंयुक्त कहलाता है, परंतु यहाँ क्या है हमारे पास? 3 है और यहाँ भी कौन है? 3 है, इसलिए असंयुक्त नहीं है। ये जो बात बोली गई है वो कैसी है? असत्य। क्या है? असत्य, ठीक है। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 12 के पहले प्रश्न पर थे, 12 के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। 12वें प्रश्न में दूसरे प्रश्न उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ए ई आई ओ यू, एक समुच्चय उन्होंने लिखा ए ई आई ओ यू, फिर उन्होंने कहा तथा दूसरा समुच्चय, दूसरे समुच्चय में उन्होंने कहा है बी सी डी, बी सी डी, ए भी है, ए बी सी डी। आगे उन्होंने कहा है असंयुक्त समुच्चय है, संयुक्त समुच्चय है, ठीक है, असंयुक्त समुच्चय है। तो सबसे पहले देख लीजिए असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं। असंयुक्त समुच्चय हमने अभी आपको बताया है कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक भी अवयव क्या हो? उभयनिष्ठ ना हो। अब यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ ए है और यहाँ भी क्या है? ए है, ठीक है ना, और कोई भी अवयव तो नहीं मिल रहा लेकिन ए मिल रहा है, इसलिए ये भी बात क्या है हमारे लिए? असत्य है। क्या है? असत्य है, ठीक है ना, क्योंकि असंयुक्त होने के लिए एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 उन्होंने कहा है 2, 6, 10 और 14, पहली सवाल है 2, 6, 10 और कौन 14, ठीक है ना, तथा कहा है 3, 7, 11, 15 तथा 3, 7, 11 और 15 क्या है? असंयुक्त समुच्चय है। क्या है? असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है, या लिख देते हैं हम असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है। आप देखिए असंयुक्त समुच्चय की बात तो कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या है? 2 है, 6 है, 10 है, 14, यहाँ 3, 7, 11 और कौन 15, यहाँ आप देख पा रहे हैं इस समुच्चय में और इन दोनों समुच्चयों में एक भी अवयव क्या है? उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह बात क्या है हमारे लिए? सत्य है। यह बात हमारे लिए क्या है? सत्य है। जब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता वो दोनों समुच्चय आपस में क्या कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में उन्होंने कहा है 2, 6 और 10 तथा 3, 7 और 11, 3, 7, 11, ठीक है। क्या कहा है? असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। हम लोग बात करें यहां, देखिए इन दोनों में कोई भी क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यहाँ कौन है? 2 है, 6 है, 10 है, 3 है, 7 है, 11 है, इन दोनों समुच्चयों में एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में है, अतः यह समुच्चय क्या कहलाएगा हमारा? असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा, इसलिए यह बात जो है वो क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 12 में पहली सवाल में क्या है? असत्य है। दूसरे सवाल में क्या है? असत्य है, जबकि तीसरी और चौथी क्या है? सत्य है, ठीक है। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1.4 क्या होती है? समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।